कोरोना की वजह से दिल्ली में एक मरीज की मौत भी हुई है। नए मामलों के लिहाज से केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र सबसे आगे है। इनके साथ तेलंगाना और तमिलनाडु भी दूसरे राज्यों से आगे हैं। लेकिन कुछ मामलों में कमी आ रही है। भारत में मरीजों के ठीक होने की जो नेशनल एवरेज है वो 98.80% है। बताते हैं कि चीन का कोरोना से कितना बुरा हाल है, किस तरह से वहां पे दवाओं की किल्लत हो रही है और अस्पतालों में भी मरीजों को कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जब शहर में सन्नाटा हो और अस्पतालों में भी मतलब कोरोना वायरस का अटैक हो चुका है, ये चीन का वुहान शहर जहां से 3 साल पहले कोरोना का वायरस सबसे पहले निकला और दुनिया के हर देश में पहुंचा। चीन से निकले कोरोना वायरस की नरसंहार वाली लहरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। तस्वीरें अभी धुंधली नहीं पड़ी है और एक बार फिर से चीन से आ रही खबरें दुनिया को वैसी ही तबाही का ट्रेलर दिखा रही है। लेकिन चीन 2020 वाले धोखे की लाइन में चलता दिखाई दे रहा है। चीन सुधरने का नाम नहीं ले रहा, चीन छिपा रहा है, लेकिन तस्वीरें सच बता रही हैं। एक तरफ चीन के शहरों में दवाइयों के लिए कतारें लगी हैं, अस्पतालों के अंदर मरीजों की वेटिंग लिस्ट लंबी हो रही है, मर्चरी में शव लावारिस पड़े हैं, अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं। लेकिन चीन कह रहा है कोरोना के खिलाफ उसकी तैयारियां पूरी हैं और कोरोना बीजिंग के कंट्रोल में है। थिंग जी पुछुई द्वेखां जिजाओ जासांदी थिंग जी जां बेयुए ज़ोवे वेहु बाचुन गाओ लुआन शिजे द गोंजू फांची लंगजान सिवे हे जेनिंग द्वेखां तो ज़ो यू ली यू शिजे हे पिंग वेंदिंग द शि। लेकिन चीन के इस दावे का सच हम आपको दिखाएंगे। चीनी मूल की अमेरिकी जर्नलिस्ट जेनिफर जेंग ने चीन के उन वीडियोस को ट्वीट करके चीन की पोल खोल दी है जिसे चीन की सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है। ये चीन के एक अस्पताल का वीडियो है जो बीजिंग का बताया जा रहा है। सबसे पहले आप इस अस्पताल के वार्ड को देखिए, जहाँ जहाँ जगह है वहाँ वहाँ कोविड के मरीज पड़े हुए हैं। जिन मरीजों को बेड मिल गया वो खुशनसीब है, जिन्हें नहीं मिला उन्हें व्हील चेयर पर एडमिट किया गया। कुछ मरीज तो जमीन पर पड़े भी दिखाई दे रहे हैं। बीजिंग के अस्पताल के इस वार्ड में 3 या 4 लोग एडमिट किए जाते थे, लेकिन फिलहाल ये कोविड संक्रमित मरीजों से लगभग ठूस ठूस के भरा गया है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई डॉक्टर या नर्स दिखाई नहीं देगी। अपने मरीज की ऐसी हालत देखकर एक शख्स ने वीडियो बनाकर यहाँ की स्थिति दुनिया को दिखाई है। इस वार्ड में मौजूद ज्यादातर मरीज बुजुर्ग हैं और उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं लग रही। लेकिन जहाँ पर मरीजों की संख्या हजारों में है, चीन के अस्पताल सैकड़ों में बता रहे हैं। हालात सिर्फ बीजिंग के खराब नहीं, पूरे चीन से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तियानजिन के एक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की तस्वीर है, जहां पर मरीज क्या तिल रखने की जगह भी दिखाई नहीं दे रही, बेड मिलना लगभग नामुमकिन है, इसलिए लोग अपने मरीजों को व्हील चेयर पर लेकर ही बैठे हैं। डॉक्टर और सपोर्टिंग स्टाफ भी मौजूद नहीं। ऐसे में लोग खुद ही अपने अपने मरीजों की तीमारदारी में लगे हैं। हर चेहरे पर डर है, कोविड का खौफ। अब चीन के सिचुआन प्रांत से आए इस वीडियो को देखें। व्हील चेयर पर बड़ी संख्या में कोविड संक्रमित मरीज बैठे हुए हैं और जमीन पर पड़े एक मरीज को अस्पताल का कर्मचारी बचाने की कोशिश कर रहा है। अपने मरीजों को लेकर आए लोग उस तरफ देखना भी नहीं चाहते। उस मरीज के साथ आया शख्स काफी परेशान लग रहा है। दूसरी ओर व्हील चेयर पर बैठे मरीजों को अभी भी इलाज का इंतजार है।